मंगलवार से सावन शुरू होने जा रहा है। काशी में सावन का अलग ही महत्व है क्योंकि यहां बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। इस बार अधिमास के कारण सावन का महत्व और भी अधिक है। इस सावन में 8 सोमवार होने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा विशेष इंतजाम पर डीडी न्यूज की ने बातचीत की काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन कौशल राज शर्मा से। काशी विश्वनाथ धाम में पूरे देश से क्या विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं यहाँ के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा जी। शर्मा जी, क्या व्यवस्था किया है आप लोगों ने इस बार, चूंकि सावन में लगातार दर्शनार्थी बढ़ ही रहे हैं और सावन में तो और ज्यादा आएंगे। पिछले साल भी सावन के महीने में लगभग 1 करोड़ लोगों ने दर्शन किए थे। इस बार 2 सावन अधिक मास की वजह से पड़ने की वजह से हमारा एस्टिमेशन है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में लोग यहां पर दर्शन करेंगे। जहां 4 सोमवार होते थे, अब की बार 8 सोमवार होंगे और सावन के सोमवार होते हैं वो विशेष रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दर्शनों के लिए। श्रद्धालुओं के बारिश से बचाव के लिए हम लोगों ने विस्तृत शेड लगवाए हैं, अधिकतर मंदिर को कवरेज करवा दिया गया है और जर्बन हैंगर्स लगा के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को बारिश में ना भीगना पड़े। गर्मी भी क्योंकि अब ज्यादा हुई थी तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए लगवाया गया था शेड जो हमारा, वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसी प्रकार से उनको फिसलन से बचाने के लिए प्रॉपर संख्या में मैट लगवाए गए हैं। उनको आरतियों के और अन्य दर्शन लाइव चलते रहे इसके लिए 10 से 15 स्क्रीन्स मंदिर कैंपस में लगाई जा रही हैं। सुरक्षा के लिए विशेष हम लोगों ने प्रबंध किए हैं। अब की बार जितने भी एरियाज हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे की कवरेजेस जहां जहां नहीं है वो मंदिर परिसर में साथ के साथ बाहर भी वो बढ़वाई जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग गंगा जी की तरफ से आके और हमारे गंगा द्वार के माध्यम से आए, एंट्री करें और गंगा जी के भी दर्शन करें, मंदिर के भी दर्शन करें। इसके लिए वाटर टैक्सी भी आने वाले 3-4 दिन में ऑपरेट करनी प्रारंभ कर दी जाएगी ताकि 80 घाट और राजघाट की तरफ से लोग बैठ के सीधे जेटी पे आए और वहां से उतर के सीधे मंदिर के दर्शन करके वापिस जाए। 4 से जो दर्शन प्रारंभ हो उसमें कहीं भी श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वाटर टैक्सी की व्यवस्था होगी जिससे वो जाम में फंसने से बच सकें और लाइव दर्शन कर सकेंगे पूरे विश्व में लोग बाबा विश्वनाथ का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़।